नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कुवैत से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, कुवैत का सब कुछ बंद है भाई, फ्लाइट बंद है, वीज़ा बंद है, बहुत टाइम हो गया, लेकिन इंडियन लोगों के लिए जॉब चालू है, ऑफर लेटर आ रहे हैं, वीज़ा भी आ गया है, मेडिकल करवा के आप लोग जा सकते हैं। पूरी डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, और भाई ज़्यादा छाने वो कमेंट बाद में करें, पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियो में मैं देखता हूँ कि वीडियो बनाने का पर्पज कुछ और है, वहाँ पर नीचे लोग लिख देते हैं ये फर्जी है, इसके पास ये जॉब है ही नहीं, ये झूठ बोल रहा है, जबकि उन मूर्खों को ये नहीं पता कि वीडियो का पर्पज क्या है, वीडियो को बनाने का उद्देश्य इसमें क्या बताया गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें, ताकि आपको गल्फ कंट्री से रिलेटेड सही जानकारी, सही एडवाइस मिलती रहे। तो आज हम बात करते हैं भाई कुवैत से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, कुवैत का एक ऑफर लेटर मेरे पास आया है, आपको स्क्रीनशॉट पे भी मैं दिखा दूंगा, आप देख लीजिएगा। इसमें बताया गया है टोटल खर्चा 90,000 रुपये लगेगा। जी हाँ, 90,000 आप यहाँ चाहो तो दे सकते हो, अगर आपके पास पैसा पूरा नहीं है तो एक काम कर लीजिए, आप 50,000 यहाँ दे दीजिए, 40,000 रुपये वहाँ सैलरी से कटवा दीजिए। ये आपका ऑफर लेटर हमने दे दिया, वीज़ा हमने दे दिया, मेडिकल का पैसा कितना लगा पता है? 6,000 कच्चे मेडिकल का लगा है, 12,000 पक्के मेडिकल का लगा है, यानी आप मान सकते हैं 18,000 रुपये कुवैत का मेडिकल हुआ है, 90,000 आपका खर्चा है। काम बता दें क्या है, आपको एयरपोर्ट पे ग्राउंड स्टाफ का काम मिलेगा, कहाँ पे? कुवैत में जो एयरपोर्ट है वहाँ पे ग्राउंड स्टाफ का काम है। सैलरी 200 KD मंथली मिल जाएगी आपको, 200 KD सैलरी महीने की मिल जाएगी, कुवैती दिनार, समझ गए आपको। अब आगे ये तो बात हो गई ऑफर लेटर की, इसके साथ में रहना, खाना, फूड अलाउंस, इंश्योरेंस, मेडिकल वगैरह जो सब होता है दुबई कुवैत लेबर लॉ के अकॉर्डिंग, वो आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ ये काम करना है, अभी आपका मेडिकल के पैसे दे दिए जी, अब ठीक है 50,000 यहाँ दे दीजिए, 40,000 सैलरी से कट जाएंगे। ये हो गई एक एजेंट की तरफ से। अब बंदे ने मुझे फीस डाल के डॉक्यूमेंट भेजे, मैंने देखा। आप नीचे कमेंट करके बताइए कि ये ऑफर लेटर भी कब का है। इंपॉर्टेंट बात ये मैं बता दूं, ये ऑफर लेटर है 9/8/2020। क्या संभव है जी? आज हो गई, आज की अगर बात करें तो सितंबर चल रहा है, 18-19 सितंबर ये ऑफर लेटर है, अगस्त का सोचने की बात है, कुछ दूर दूर तक दिख रहा है आपको। एक फ्लाइट कुवैत का पूरा सिस्टम क्लोज है, सब कुछ बंद है, ये भी जॉब भी कहाँ का दिया है, कोई कंपनी में हेल्पर का जॉब देता तो भी चलो चल जाता है यार, क्या पता, लेकिन सिस्टम क्लोज है यार, फ्लाइटें बंद है, ग्राउंड स्टाफ का इसको जॉब दिया जा रहा है। एजेंटों की हद होती है चूतिया बनाने की, मुझे ये समझ में नहीं यार, लोग बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट बात है कि लोग बन जाते हैं, उनका तो प्रोफेशन हो चुका है, उनका काम है वो ये करेंगे, लेकिन लोगों का देखिए, बंदे को अब क्या, आपको नहीं लगता कि मैंने इसको बचाया, 1100 रुपये दिए लेकिन बचा नहीं बंदा। अभी तक इसका प्लस पॉइंट ये है कि उसने मेडिकल का पैसा दिया है, बाकी एक चवनी उसने नहीं दी। मैंने वो इसको पूरी बात बता दी, मैं बोल ऐसे ऐसे है भाई, देख लीजिए अभी सिस्टम बंद है, कोई काम नहीं है एयरपोर्ट पे यार, वीज़ा ही बंद है, फ्लाइटें बंद है, तो वीज़ा कहाँ से निकल जाएगा कुवैत का। लेकिन फिर भी लोगों के मन में ये होता है, क्या पता 1%, मतलब लालच इतना भयंकर तरीके से होता है कि मेरी बात भी उनको एक बार झूठ लगने लग जाती है कि यार इसको ऑफर लेटर भेजा, 2 मिनट में इसने रिजल्ट दे दिया, ऐसा कैसे हो सकता है, ये झूठ बोल सकता है या इसको पता नहीं होगा, ये अपनी बातें, मतलब ऐसा कुछ लोग सोच लेते हैं, फिर भी ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं मेरे मुँह से कलवाने की, सर क्या पता हो जाए, हद होती है यार। झूठ तो यार वहीं हो गई कि मेडिकल के 18,000 रुपये कच्चे मेडिकल जो 1,000 रुपये में होता है उसके 6,500 ले लिए, 6,000 रुपये ले लिए, पक्का मेडिकल का 12,000 ले लिया, फर्जी नहीं है तो क्या है भाई, सोचने की बात है। जबकि ये वीज़ा है, ये वीज़ा थोड़ी है, ये तो वीज़ा का नंबर है, इससे आपको गमका में जाके मेडिकल करवाना होता है, गवर्नमेंट में अथोराइज मेडिकल होता है, क्या लगता है इतना पैसा लगता है मेडिकल का, सबको पता है, लेकिन नहीं जी, लोगों को बस आदत पड़ गई। तो बस साथियों ये आपको बताना था भाई, कुवैत के नाम से भी लोग ऐसा कर रहे हैं, सोचने की बात है कि जब कुवैत का पूरा सिस्टम बंद होने के बावजूद जब ग्राउंड स्टाफ एयरपोर्ट का आपको जॉब दे दिया जाता है तो बेवकूफ़ बनाने की तो कोई कमी नहीं है। अब आप लोगों को ध्यान में इन बातों को रखना होगा, आप लोगों को सचेत रहना होगा कि भाई जॉब अगर आ रहा है तो वो जॉब पता तो लगाएं पहले कि है कि नहीं है, हकीकत में सिस्टम ही क्लोज है, जैसे सिंगापुर के वीज़ा आ रहे हैं जबकि सिंगापुर पूरा क्लोज है, वैसे कुवैत का भी सिस्टम है, थोड़ा थोड़ा देखें बचें। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि भाई कुवैत में भी बहुत ज़्यादा लोगों के इंटरेस्टेड हैं जाने वाले, इसीलिए लोग ऑफर लेटर बना के बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, वीज़ा नंबर को वीज़ा बता देते हैं, ऐसा कुछ लोगों के साथ होता है। तो बस वीडियो देखते रहिए, सतर्क रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।